पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे कवर्धा के सोनवाही गांव, डारिया से मृत लोगों के परिजनों से की मुलाकात। संक्षिप्त, बैगा जनजाति के हैं पांचों मृतक, डारिया पीड़ित अन्य परिवारों से भी मिले भूपेश बघेल। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झलमाला का भी किया दौरा। संरक्षित जनजाति के लोगों की मौत के लिए सरकार को बताया जिम्मेदार। सरकार संरक्षित जनजाति के लोगों को मच्छरदानी तक उपलब्ध नहीं करा पा रही। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और आवश्यक सुविधाएं भी नहीं हैं। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की राष्ट्रपति को पत्र लिखने की बात भी कही भूपेश बघेल ने। विधानसभा के मानसून सत्र में गूंजेगा संरक्षित जनजाति के लोगों की मौत का मामला। बरसात होने के बाद नीचे बारिश में उल्टी दस्त की शिकायतें होती है और पिछले 5 सालों में इस प्रकार शिकायतें नहीं होती थी लेकिन अभी कवर्धा ज़िले में मई महीने के आखिरी सप्ताह में जहां देहांडी और कोलारी जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई और सैकड़ों लोग उसमें एडमिट हुए थे, उस समय भी मैं देखने आया था। यहाँ अभी आया तो 5 लोगों की मृत्यु हो गई और एक तो ऐसे कि जो महिला खत्म हुई उसको गोद में बच्ची थी, अब उसके पास जीको पार्जन कुछ भी नहीं है, अब वो आदमी मजदूरी करे कि बच्चे के पाले। ये स्थिति यहाँ है बनी हुई और ये विशेष पिछड़ी जनजाति में आता है, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, इनका तो विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। अभी आज ही मच्छरदानी बांटे हैं, वो भी मैं समझा था सब घरों में दिए होंगे लेकिन ये पता चले जिनके घर मृत्यु हुई उनको एक एक दिए हैं। वो लोग भी कहते हैं भाई हमारे घर में 5 सदस्य हैं, एक मच्छरदानी दे उसका कैसे होगा। तो मच्छरदानी भी पर्याप्त नहीं है, दवाइयाँ भी नहीं हैं और इलाज भी नहीं है। तो लगातार स्वास्थ्य क्षेत्र में इनके साथ जो लापरवाही बढ़ती जा रही है और सरकार की तरफ से इनको कोई मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है, ये बेहद दुर्भाग्यजनक। आज संसाधन और यदि डॉक्टरों की बात की जाए क्या क्या होना चाहिए यहाँ पर? मेरी सबसे पहली बात तो ये है, देखिए हॉस्पिटल है पर्याप्त, वहाँ स्टाफ होना चाहिए। दूसरी बात है दवाइयाँ होनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि जैसे अभी उस गाँव में सुनवाही गाँव में जो मलेरिया टेस्ट किया गया, 196 लोगों को टेस्ट किया गया, उसमें से 13 से 19 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अब उसमें एक मलेरिया पॉजिटिव यहाँ भी उसका इलाज चल रहा है। तो इसको तो अभियान के तहत हम लोगों ने अभियान के तहत चलाया था, अभियान चलाया जाता तो उससे ये तकलीफ नहीं आती। तो स्वास्थ्य के लिए इनको निरंतर अभियान चलाया जाना चाहिए, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में। तो पहले तो हमने मलेरिया मुक्त बस्तर शुरू किया था, फिर मलेरिया मुक्त पूरा छत्तीसगढ़ किया था और वो अभियान चला तो उसके कारण से न मलेरिया में मौत हुई न उल्टी दस्त से कभी मौत की शिकायत नहीं आई। ये तो अकेले इसी ज़िले में अभी ये तो आंकड़े आ गए हैं।